हे गाइस, आप सभी का स्वागत है स्टार्ट एंड वर्ड पे। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि मैंने 2 दिन पहले वीडियो बताया था कि अगर आप एजुकेशन एप्लीकेशन में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, अगर आप उस एप्लीकेशन को बनवाना चाहते हैं तो उस एप्लीकेशन का प्राइस एक डेवलपर कितना चार्ज ले करता है, तो उसके बारे में आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। उस एप्लीकेशन का आपको डिज़ाइन भी दिखाऊंगा, उसके लेआउट्स के बारे में बताऊंगा, उसके फीचर्स क्या हैं उसके बारे में आपको अच्छे से ब्रीफ इस वीडियो में आपको पूरा मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मैं बताना चाहूँगा। जैसे दोस्तों, आपको पता ही होगा एजुकेशन एप्लीकेशन में ऐसा बहुत सारे कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन है जिसमें पीडीएफ डाल सकते हैं, नोट्स डाल सकते हैं, ऐसे कई सारे एप्लीकेशन हैं। बट जो ये एप्लीकेशन है, इसमें आप अपने वीडियो डाल सकते हैं, नोट्स शेयर कर सकते हैं और बहुत सारे इसके अंदर हमने कस्टमाइज करके दिया हुआ है जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। इसके लेआउट्स, लॉगिन पेज, होम स्क्रीन, मतलब काफ़ी सारे हमने ऐसे स्क्रीन बनाए हैं जो आपको देखने में भी, आपको यूज़ करने में भी और आपके जितने भी यूज़र्स रहेंगे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद काफ़ी उनको भी मज़ा आएगा, कुछ नया देखने को मिलेगा। होता क्या है कि आप कोई भी एजुकेशन एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो वही डिज़ाइन कभी भी सेम नहीं खाना चाहिए, कुछ दूसरे से ज़रा हटके बनाइए तो एप्लीकेशन मार्केट में भी चलेगा, लोगों को भी पसंद आएगा, कुछ चेंजेस एप्लीकेशन के अंदर देखेंगे, ये भी थोड़ा आपका जो फंक्शंस रहेगा अदर एप्लीकेशन से आपको दूसरे एप्लीकेशन में काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको इस एप्लीकेशन जो बताने वाला हूँ, आपको जो डेमो दिखाऊंगा मैं, अगर आपको ये एप्लीकेशन बनवाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे फ़ोन करके इस एप्लीकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन, डेमो, इसका यूआई डिज़ाइन, इसके बारे में कौन सा सर्वर हम यूज़ करते हैं, कौन सी एपीआई यूज़ करते हैं, फ्रंट एंड में क्या यूज़ किया गया, काफ़ी सारे जो आपको क्वेश्चन आप मुझसे आराम से पूछ सकते हैं। इसका एएमसी करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, ऐसे काफ़ी सारे जो आपके डाउट्स रहते हैं आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट है, उनके क्लासेस ले सकते हैं ऑनलाइन। जूम एप्लीकेशन आपको पता ही होगा दोस्तों कि जूम एप्लीकेशन कैसे था, तो इस टाइप हमने कुछ मिसमैच एप्लीकेशन करके मिक्स करके जो एप्लीकेशन डिज़ाइन किया है। अगर आपको इस एप्लीकेशन का लेआउट पसंद नहीं आ रहा, अगर आपको इसका यूआई डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा, अगर एप्लीकेशन के अंदर और भी कुछ चेंजेस करवाने हैं तो आप फ़ोन करके हमसे इसका पूरा डिज़ाइन चेंज करवा सकते हैं, कस्टमाइज करवा सकते हैं एप्लीकेशन को। क्योंकि मैंने कस्टमर को डिलीवरी किया, इसलिए जो डिलीवरी किया मैंने वही मैं आपको डेमो दिखाने वाला हूँ। तो अगर आपको उससे कुछ चेंजेस चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन चाहिए तो आप वो हमसे करवा सकते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, देखते हैं कि एप्लीकेशन का डेमो कैसे, इसका लेआउट कैसे, इसके डिजाइन कैसे, आइए पूरा ब्रीफ में जानते हैं। तो जैसे कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हमने जो एजुकेशन ऐप के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एजुकेशन एप्लीकेशन बनाने से आप उस पर कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, उस एप्लीकेशन से आपको मतलब क्या फ़ायदा रहेगा, आपने जितने भी एजुकेशन एप्लीकेशन बनाए हैं, आपने जितने भी अभी तक एजुकेशन एप्लीकेशन बनाया है उसका जो डिज़ाइन है, उसके जो लेआउट है, अगर हम इस एप्लीकेशन से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी आपको फ़र्क नज़र आ पाएगा। आप प्ले स्टोर पर कितने सारे एप्लीकेशन हैं, लेकिन उस उनके जो एप्लीकेशन एजुकेशन एप्लीकेशन है उनका, उसके अंदर आप पीडीएफ डाल सकते हैं, नोट डाल सकते हैं, मतलब ऐसे 3-4 एप्लीकेशन अगर मिलाएंगे सबके अलग अलग फीचर रहते हैं। लेकिन हमने इस एप्लीकेशन के अंदर पूरा कंबाइंड सेट डाल दिया है कि आपको अलग एप्लीकेशन में जाके माइग्रेट होने की जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ, मैं आपको यहाँ पर लॉगिन स्क्रीन दिखा रहा हूँ कि लॉगिन स्क्रीन हमने अभी तक कैसे रेडी किया, इसके लेआउट कैसे, ये देखिए, ये आपका लॉगिन पेज हो जाएगा आपको, जो उसके बाद ये जो दिख रहा है ये आपका एप्लीकेशन के यहाँ पे लोगो आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं ये जो येलो कलर है, ये जो शेडो है, आप इसका कलर चेंज करवाना चाहते हैं या इस लेआउट का अगर आप पूरा डिज़ाइन चेंज करवाना चाहते हैं तो भी आप किसी भी डेवलपर से करवा सकते हैं। अगर ये एप्लीकेशन आपको बनवाना है तो इस एप्लीकेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर, आप मुझे फ़ोन करके इस एप्लीकेशन को बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आगे अगर बताऊंगा उसके बाद, जैसे आपको मैंने बताया कि ये लोगो हो गया आपका एप्लीकेशन का, आप एडमिन पैनल से भी चेंज कर सकते हैं, हमने इसको बैकएंड से दिया हुआ है। उसके बाद आपका यहाँ जो फ़ोन नंबर आपसे पूछा जाएगा, जो आपने रजिस्टर टाइम डाला फ़ोन नंबर, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ओटीपी का ऑप्शन डाला गया है। ओटीपी आपको पता ही होगा कि ओटीपी भी बाय किया जाता है कि 6,000 या 7,000 का आता है, 1 साल या 2 साल, 1 साल या 6 महीने का आता है, ओटीपी को भी बाय करना पड़ता है। बट इसमें आपने फायरबेस का यूज़ किया, जिससे आपका ओटीपी का पैसा बच जाएगा। अगर कोई भी लॉगिन कर रहा है तो सीधा फायरबेस से उसको ओटीपी आ जाएगा, उसके बाद वो यहाँ से लॉगिन कर सकता है। इसका रजिस्ट्रेशन का भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि उसका कैसे सीन रहेगा, लेकिन मैं आपको पहले यहाँ का लॉगिन का सीन दिखा दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ नीचे का जो डिज़ाइन है, तो काफ़ी ऐसे अट्रैक्टिव बनाया है कि लोग कोई भी अगर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहा है तो उसको चलाने में भी उतना ही मज़ा आना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, ये रजिस्ट्रेशन का आ गया, मतलब रजिस्टर का ये, अगर कोई भी रजिस्टर करना चाहेगा तो यहाँ पे अपना नाम डाल सकता है, फ़ोन नंबर डाल सकता है, ईमेल आईडी डाल सकता है, एड्रेस डालना पड़ेगा, ये सारे के सारे कंपलसरी उसको फिलअप करना पड़ेगा, उसके बाद वो यहाँ से रजिस्टर करेगा।
रजिस्टर करने के बाद, जैसे कि मैंने आपको लॉग स्क्रीन दिखाया था, लॉग स्क्रीन पे सिर्फ आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर और जो आप वहाँ जो पासवर्ड डालेंगे वहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है, तो आपका एप्लीकेशन के अंदर आप लॉगिन कर पाएंगे। दोस्तों जैसे कि मैं आपको दो स्क्रीन दिखा दी कि दो लेआउट हमने कैसे डिज़ाइन की है और तीन लेआउट है, मैं आपको उसके बारे में अच्छे से ब्रीफ बता दूँ कि अगर आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो उसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलेगा इस एप्लीकेशन एजुकेशन एप्लीकेशन के अंदर। तो दोस्तों देखिए ये होम पेज हो गया है आपका, होम पेज काफ़ी ज़्यादा हमने अच्छा डिज़ाइन किया है। बाकी जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है कि कोई भी एप्लीकेशन एजुकेशन का उठा के देखिएगा और हमारा कंपेयर कीजिएगा तो काफ़ी ही डिफरेंस आएगा। इसमें आप वीडियो भी डाल सकते हैं, अगर आप कोई GIF फोटो डाल सकते हैं, PDF भी डाल सकते हैं अगर आपका कस्टमाइज एप्लीकेशन है। तो ये पूरा एजुकेशन एप्लीकेशन, जैसे मान लीजिए टीचर है कोई, तो उसको अगर ऑनलाइन क्लासेस लेना है या उसको कोई वीडियो डालना है, वीडियो को अगर प्रीमियम बना के सेल करना है तो वो भी इस एप्लीकेशन के अंदर कर सकता है। जैसे आपको दिख रहा है ये फर्स्ट पार्ट हो गया, उस फर्स्ट पार्ट का ये वीडियो आप देख सकते हैं सेक्शन का, ये उस वीडियो का मतलब जो भी आप कोई क्लास जो चला रहे हैं उसका टाइटल डाल सकते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर नीचे डाल सकते हैं और ये आपका यहाँ पर थंबनेल के साथ वो प्ले करेगा। तो प्ले करने के बाद ये पूरा एक फुल वीडियो आपके स्क्रीन पे सीधा फ़ोन पे ओपन हो जाएगा। ऐसे आप जितने भी पार्ट बना के डाल सकते हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे आप डाल सकते हैं यहाँ पे। उसके नीचे देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे होम का ऑप्शन यहाँ पे दिया है और ये आपकी प्रोफाइल की ऑप्शन है और ये आपका एप्लीकेशन का यहाँ पे नाम आ जाएगा, जो भी आप एप्लीकेशन का आपका जो नाम रहेगा। उसके बाद ये नेविगेशन बार है, यहाँ पे आपके बहुत सारे मेनूस रहेंगे एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, जो जो आप मेनूस इस एप्लीकेशन का रखवाना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे मैंने बताया था, अगर वहाँ पे जो पार्ट वन था, पार्ट वन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो देखिए वीडियो का कुछ डिज़ाइन इस तरीके का ओपन होगा, आपका वीडियो ऐसे स्क्रीन पे आ जाएगा। चाहे तो यहाँ पे प्ले करके फुल स्क्रीन पे इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, जो भी आपने क्लासेस के अंदर डाला होगा आपके जो भी क्लासेस है पूरे दे सकते हैं। उसके बाद जो इस क्लासेस के जो पार्ट होता है ना, मान लीजिए इस वीडियो के अंदर 6 पार्ट है, तो वो नीचे आपको यहाँ पर दिख जाएगा, पहला पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, ऐसे लाइन से आपके वीडियो यहाँ पे शो करेंगे। और ये कंप्लीट कितना वन हो गया, यहाँ आपका जो चैप्टर का नाम रहेगा, चैप्टर के डिस्क्रिप्शन जो भी आप डालना चाहें यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद ये स्क्रॉल का ऑप्शन है, उसको अगर स्क्रॉल करेंगे तो नीचे वो चल जाएगा। तो दोस्तों देखिए हमने पूरा UI डिज़ाइन में काफ़ी ही ज़्यादा मतलब मेहनत करके एप्लीकेशन बनाया कि किसी भी यूज़र्स को पसंद आए, काफ़ी ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। अगर आप चाहते इस UI डिज़ाइन को चेंज करना तो अपने हिसाब से भी आप चेंज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, आप जैसा बोलेंगे हम आपको उस टाइप का एप्लीकेशन बना के दे सकते हैं। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ लेआउट की, इसका लेआउट कैसा है, इसका सर्च बार हमने कैसे डाला है। तो दोस्तों देखिए सर्च बार हमने किस तरह का डाला है, ये नेक्स्ट पेज का है, ये टाइटल जो आपको मैंने बताया था, ये जो टाइटल जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो टाइटल है ये टाइटल हो गया MMSC का, ये देखिए विद मैथिक्स का हो गया, ये जो भी आप आयुर्वेदिक के बारे में बता रहे हैं मतलब जो भी आप बता सकते हैं, कैटेगरी वाइज हो जाएगी। अगर आप और कैटेगरी डाल रहे हैं तो यहाँ पे स्क्रॉल का ऑप्शन आता है, अगर आप उसको स्क्रॉल करेंगे तो स्लाइड बाय स्लाइड आपको नीचे दिख जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों सर्च बार दिया है, देखिए सर्च लेसन, जो भी आपके जो क्लासेस है या आप दूसरे पार्ट के लिए कोई वीडियो बनवा रहे हैं या आपके एजुकेशन एप्लीकेशन हो गया, आपको टीचर है तो आप पूरे क्लासेस ही डालेंगे, 10th 9th जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। सर्च अगर यहाँ पर क्लिक करेगा तो वो आपका सीधा वीडियो उनको शो करेगा। अगर आप चाहते हैं कि सर्च बार नीचे ना रहे, ये सर्च बार आपको यहां पे ऊपर पे मिल जाए, तो आप जैसे भी डिज़ाइन चेंज करवा सकते हैं। दोस्तों देखिए एप्लीकेशन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी है, काफ़ी सारे फीचर्स भी है। अगर दोस्तों अगर मैं आपको फीचर्स बताने बैठ गया हूँ दोस्तों, मेरे ख्याल से 1 या 2 घंटे का पूरा ये वीडियो बन जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये एप्लीकेशन बनवाना है या एप्लीकेशन का डेमो देखना है या आपको इसका पूरा का पूरा UI डिज़ाइन देखना है, दोस्तों हमारे पास रेडी है, बस इसका 10% काम बाकी है। हमारे पास एडमिन पैनल भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको एडमिन पैनल दिखाऊंगा कि एजुकेशन का एडमिन पैनल का लुक कैसा रहेगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। दोस्तों एजुकेशन एप्लीकेशन मार्केट में काफ़ी चल रहा है, आपको पता ही होगा कि इस टाइम पे ऑफलाइन की जगह मतलब ऑनलाइन ही मतलब ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, अभी तो कॉलेज खुले भी नहीं है, तो टीचर्स क्या कर रहे हैं, जूम एप्लीकेशन ले लीजिए एग्जांपल, में ऐसे बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जिससे वो अर्निंग भी कर रहे हैं, उस एप्लीकेशन से मतलब क्लासेस भी चल रहे हैं। दोस्तों आप भी इस एप्लीकेशन से बना के अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस एप्लीकेशन को बनाना तो सर दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, फोन उठाइए, कॉल कीजिए, इस एप्लीकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन लीजिए। अगर आपको इस एप्लीकेशन बनवाना है, अगर आपको इस एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड है थोड़ा सा भी, अगर इस एप्लीकेशन को बनाने में आपको कुछ भी अगर झिझक है या कुछ भी डाउट है तो तुरंत फ़ोन कीजिए, आपको सारे के सारे हमारे जो स्टाफ है डेवलपर्स आपकी पूरी मदद करेंगे और इस एप्लीकेशन रिगार्डिंग आपको पूरी की पूरी आपको जानकारी मिलेगी। दोस्तों आई होप अगर जो भी मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाए या लेआउट बताया एप्लीकेशन के बारे में अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।